हेलो गाइस, मेरा नाम है निहार एंड मैं हूँ आपका म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टेम्पो के बारे में, टेम्पो टैपर के बारे में देखा था, हाउ टू फाइंड टेम्पो ऑफ एनी सॉन्ग ये भी देखा था, एंड हमने कुछ एग्जांपल भी लेके दिखाया मैंने टेम्पो कैसे फाइंड की जाती है। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा मेरा, तो आप आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसे ज़रूर चेक कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आप इस लेक्चर की ओर बढ़िए, क्योंकि इसमें आपको टेम्पो की ज़रूरत होगी। सो आपको टेम्पो के बारे में अगर जानना है तो आप वो लेक्चर देखिए एंड फिर आप ये लेक्चर को देखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं सुर यानी कीज़ के बारे में। अभी सबसे पहले मैं आपको इधर एक VST लोड करके दिखाता हूँ। फाइल, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, मिनिमल, एम्प्टी सिलेक्ट कर लिया। अभी इधर मैं FL कीज लोड कर देता हूँ, जो कि हमारा एक बेसिक सा पियानो का VST है। तो अभी आप ऑब्जर्व कीजिए, इधर एक कीबोर्ड का पैटर्न बना हुआ है। इसे आप देखिए, नीचे सारे वाइट कीज है, ऊपर सारे बीच बीच में ब्लैक कीज है। तो ऑब्जर्व कीजिए, ये दो ब्लैक, थ्री ब्लैक, दो ब्लैक, थ्री ब्लैक, ऐसे ये पैटर्न कंटिन्यू होता रहता है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे पियानो रोल के पियानो के बारे में। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इधर आपको C0 दिखा रहा है, एंड जैसे आप ऊपर जाओगे ये C10 तक लास्ट है हमारा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 10 ऑक्टेव प्रेजेंट है पियानो रोल में। तो अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक डायग्राम है पियानो का, आप देख सकते हैं ये 12 की नोट्स का एक स्ट्रक्चर बनाया है। तो आप देख सकते हैं C D E F G A B C, एंड ये है C#D#F#G#A#। अब ये सब शार्प एंड ऑल क्या है ये बताता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जर्व कीजिए, इधर एक सी आ रहा है, फिर से इधर एक सी आ रहा है, एंड आगे एक सी आएगा, इसके पीछे भी सी आएगा, ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। ये अभी एक सी से लेके दूसरे सी तक हमारे टोटल 12 नोट्स होते हैं, एक क्रोमैटिक ऑर्डर में 12 नोट्स होते हैं। ये क्रोमैटिक ऑर्डर क्या है ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा बेसिक थियोरी का लेक्चर होगा, उसमें मैं बताऊँगा, डोंट वरी। तो आप देख सकते हैं मैं इधर अभी काउंटिंग करूँगा, ये 12 नोट्स पे इधर बी तक आ जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगेन 1, ऐसे हमारा एक, इसे हम कहेंगे एक ऑक्टेव, हमारे 12 नोट्स की एक ऑक्टेव होती है। ये आप भी सपोज कीजिए ये C4 है, तो ये होगा C5, आगे होगा C6, इसको अगर C4 कंसिडर किया, इस के पिछले वाला होगा C3, फिर C2, ऐसे ये एक ऑर्डर में रहता है। तो अभी आपने देखा कि ये 12 नोट्स होते हैं एक ऑक्टेव में। हमने बचपन से देखा है, कोई भी एक इंडियन आइडल लो या फिर कोई भी एक लाइव परफॉर्मेंस शो जो रहता है, उधर जो भी एक परफॉर्मर रहता है वो एक स्केल मांगता है या फिर एक की मांगता है, फिर जो भी प्लेयर है, जो भी पियानो बजा रहा है या आर्टिस्ट है जो भी, वो एक नोट दे देता है या फिर एक ऐसे ट्यून दे देता है। तो ये हमने देखा है कि C# दे दो या फिर C स्केल दे दो, ऐसे हमने बहुत बार देखा है। तो वो लोग यही चीज़ को मांगते रहते हैं, C# स्केल दे दो। ये स्केल वगैरह क्या है नेक्स्ट लेक्चर में, अभी फ़िलहाल सिर्फ कीज़ के बारे में। तो अभी मैं इधर VST पे जाऊंगा FL कीज़ के, एंड उधर आपको एक एक नोट बजा के दिखाऊंगा। अभी आप ऑब्जर्व कीजिए इस नोट से लेके इस नोट तक, देखिए मैं एक एक कीज बजाऊंगा, आप सुन सकते हैं। तो ये थी हमारी 12 नोट्स, जो कि मैंने क्रोमैटिक ऑर्डर में बजाई, क्रोमैटिक ऑर्डर नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए ये है हमारी सी
सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प, बी सी। तो आपने देखा होगा सी से लेके बी तक हमारा एक ऑक्टेव। तो अभी आपको मैं वो फिर से डायग्राम दिखा देता हूँ। मैंने इधर लिखा है सी शार्प इज इक्वल टू डी फ्लैट। ये जो की है जो कि हमारी सी के बाद आती है एंड डी से पहले आती है। अगर आपको सी, इसे हम सी शार्प भी कह सकते हैं, डी फ्लैट भी कह सकते हैं। अगर ये सी के बाद आता है तो इसे हम सी शार्प कहेंगे, डी से पहले वाला है तो डी फ्लैट, वैसे ही डी के आगे वाला डी शार्प, ई से पहले ई फ्लैट, वैसे ही एफ के बाद एफ शार्प, जी से पहले जी फ्लैट, जी के बाद जी शार्प, ए फ्लैट, वैसे ही इसका देखें ए शार्प बी फ्लैट, ऐसे हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए ये था हमारा कीज़ के बारे में। अभी हम देखेंगे गाने की कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड की ऑफ अ सॉन्ग। तो चलिए मैं मेरा एक कोई भी एक गाना ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए ये स्ट्रेंज डिज़ायर, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसका एग्जांपल दिया था टेम्पो वाले में, वही लेते हैं। चलिए अभी मैं क्या करूँगा, ये बैकग्राउंड में इस सॉन्ग को मैं प्ले करूँगा एंड हमिंग करूँगा, हमिंग करके एक की निकालूँगा एंड इधर मैच करने की कोशिश करूंगा। देखिए कैसे, चलिए ये मैंने की निकाली है। अभी मैं क्या करूंगा, हमिंग करूंगा एंड इसके साथ मैच करने की कोशिश करूंगा। देखिए चलिए ये कोई तो की मुझे मिल गई है। मैं पियानो रोल खोलूँगा एंड देखूँगा C5 पे लेके जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं मैंने की निकाली हुई है, ये अभी देखेंगे ये मैच कर रही है या नहीं। लोअर ऑक्टेव के साथ मैं मैच करके देखूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ सी पे जो नोट लगी हुई है यही जच रही है उस गाने के साथ। तो हमारी की निकली सी। अभी ये मैंने जानबूझ के स्लो में बताया सिंगल सिंगल स्टेप कैसे हम की फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने धीरे धीरे बताया। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल लेके बताऊंगा जो कि मैं उसमें कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ करके दिखाऊँगा। देखिए चलिए इसे ले लेते। ओके मैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी की फाइंड करूंगा। मैं जाऊंगा इस पे, क्योंकि इस पे आपको सिंपली समझ में आ जाएगा, इसे प्ले कर दूंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, आप बैकग्राउंड में गाना प्ले करेंगे एंड इधर आप मैच करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे,
चलिए मुझे एक की मिल गई है, C5 है इसकी की, देखते हैं ट्राई करके ठीक है या नहीं है। चलिए मुझे मिल गई की सी है। अभी मैंने कंफर्म कैसे किया, इसको मैंने ऊपर लेके गया, एक 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 सिंगल सिंगल नोट को छेड़ते मैंने देखा किधर मैच कर रही है। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है, बट सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस कीजिए, ये की निकालना बहुत आसान है, आपको प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा, डोंट वरी। मुझे भी कोई भी इसका आइडिया नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल, बट मेरे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके मैंने ये सब सीखा। अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने जानबूझ के थोड़ा स्लोली बताया कैसे मैं स्टार्टिंग में कैसे की फाइंड करता था, उस वे में आपको बताया ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। मैं अभी कोई भी एक गाना सुन के उसकी की या जो भी है टेम्पो मैं बता सकता हूँ। सो ये सब हुआ मेरी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसकी कीज़ फाइंड करने की, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजीली आ जाएगा। मैं आपको होमवर्क फिर से वही दूंगा जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था। आप कोई भी एक 5 गाने चूज़ कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आप उन गानों की कीज़ बताइए, मैं बताऊंगा सही है या गलत। ओके, तो इतना ही था हमारे कीज़ के बारे में, नोट्स के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, बेसिक थियरी के लेक्चर्स में, डोंट वरी। हमारी बेसिक थियरी का सबसे पहले 2 जो पॉइंट्स थे वो कवर हो चुके, जो था हमारा टेम्पो एंड कीज़। तो ये सबसे बेसिक एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप कोई एक गाना रिमिक्स कर रहे हो या फिर कुछ आप खुद बना रहे हो, जिंगल बना रहे हो, जो भी है, आपको टेम्पो एंड कीज़ फाइंड करना या कीज़ को लगाना ये सब आना चाहिए। सो आप इन्हीं चीज़ों की अभी प्रैक्टिस के लिए करिए फ़िलहाल। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे म्यूज़िक थियरी के बारे में, डोंट वरी। तो यही था कीज़ के बारे में। आपको अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब, एंड जैसे मुझे पॉसिबल होगा वैसे मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। सो प्लीज़ प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, एंड आप अलग अलग तरीके के गाने सुनिए, आपकी आर्टिस्टिक अप्रोच बढ़ाइए जितनी हो सके उतनी। तो यही था आज के लिए, कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा सबको आंसर करने की। सो आई होप आपको ये मेरी मेहनत कुछ हेल्प करे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर, इससे मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी अगले लेक्चर्स बनाने में। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स फर्स्ट। तब तक के लिए थैंक यू, बी सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। निहार साइनिंग आउट, थैंक यू।